नमस्कार दोस्तों मैं लोकेश कुमार बीजिंग चाइना से योगा टीचर तो दोस्तों आज की इस योगा क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मोटापे को दूर करने के लिए कुछ योगा अभ्यास और कुछ एक्सरसाइज तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले करते हैं वेरी सिंपल वार्म अप प्रैक्टिस तो दोनों हाथ सामने ले आइए सास छोड़ते हुए अपने एल्बो को बैंड कीजिए और एल्बो को क्लोज कीजिए तो ये वाला प्रैक्टिस है शोल्डर रोटेशन सांस लेते हुए अपने एल्बो को ऊपर ले जाइए और यहां से खोलते हुए सामने ले आइए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेच देने का प्रयास कीजिए शोल्डर में श्वास लेते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए सामने ले आइए टू श्वास लेते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए सामने ले आइए थ्री श्वास लेते हुए ऊपर ले जाइए श्वास छोड़ते हुए सामने ले आइए फोर श्वास लेते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हुए सामने फाइव उसके बाद इसी को अपोजिट करना है श्वास लेते हुए ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हैं सामने वन श्वास लेते हुए ऊपर श्वास छोड़ते हैं सामने जो ये वाले जो है आपको शोल्डर को लूज करने के लिए प्रैक्टिस है और जिनको भी नेक सर्वाइकल प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है ये फोर एक बार फिर से और ये फाइव उसके बाद दोनों हाथ नीचे शोल्डर को रिलैक्स कीजिए अब दोनों पैर बिल्कुल सीधे कीजिए और लेग को रिलैक्स कीजिए उसके बाद दोनों घुटने को मोड़िए और अपने हिल को अपनी ओर खींचिए और घुटने को बाहर की ओर खोल दीजिए दोनों हाथों को लॉक कीजिए आपके टोज तो के ऊपर और यहाँ पे मूवमेंट कीजिए घुटने को ऊपर नीचे कीजिए ध्यान रखिए आपका पेट बिल्कुल सीधा होना चाहिए ऐसे एकदम धीरे धीरे शुरू करना उसके बाद थोड़ा और तेज करने का प्रयास कीजिए इसी मूवमेंट को ये आपके हिप ज्वाइंट को लूज करने के लिए प्रैक्टिस है और ये वाली जो प्रैक्टिस है महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है प्रेग्नेंट लेडी है उनके लिए अच्छा है और माहवारी के समय पीरियड्स के टाइम महिलाएं हमारी माता बहनाएं वो कर भी सकते हैं वाली प्रैक्टिस उनके लिए अच्छा है थोड़ा और फास्ट करने का प्रयास कीजिए उसके कुछ मोमेंट के बाद उसको रिलीज कर दीजिए और दोनों पैर को सीधा कर लीजिए लेग को रिलैक्स कीजिए अगले अभ्यास के लिए दोनों पैरों के बीच अंतराल लीजिए एक मीटर के पा, आसपास सांस लेते हुए दोनों हाथ पूजा के सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट फिट को पकड़ना है लेफ्ट शोल्डर को पुश करना है राइट शोल्डर को ओपन करने का प्रयास करना है अपने फिंगर को देखिए सांस लेते हुए वापिस आइए सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड सांस लेते हुए वापिस सांस छोड़ते हुए राइट साइड सांस लेते हुए वापस आइए सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड सांस लेते हुए वापस सांस छोड़ते हुए राइट right. सांस लेते हुए वापस सांस छोड़ते हुए लेफ्ट इस वाले प्रैक्टिस में आप देख रहे हैं क्या हो रहा है हमारे पेट हमारे पेट दोनों में जो है ट्विस्ट हो रहा है ओके तो ये क्या करता है हमारे पेट के जो टॉक्सिंस रहते हैं उसको निचोड़ के बाहर निकाल देते हैं मल वगैरह है, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं और जो हमारे पेट के फैट है उसको भी दूर करने में बहुत ही सहायक है क्योंकि ये पूरी तरीके से हमारे पेट पीठ को ऐसे निचोड़ता है ठीक है उसके बाद यहाँ पे रुके अपने लेफ्ट शोल्डर को पुश करना है और राइट शोल्डर को ओपन करने का प्रयास करना है अपने फिंगर को देखिए वन सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए अपने पीठ को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास कीजिए टू अगर आप पैर को नहीं पकड़ सकते यहाँ पे पकड़िए इसका मेन पर्पज है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट करना है बिल्कुल रिलैक्स एंड फाइव लेते हुए वापस आइए, छोड़ते हुए साइड राइट शोल्डर को पुश करना है, लेफ्ट शोल्डर को ओपन करना है अपने फिंगर टिप्स को देखिए वन पीठ को बिल्कुल सीधा करने का प्रयास कीजिए टू ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट कीजिए एपडोम बिल्कुल रिलैक्स थ्री फोर एंड फाइव सांस लेते हुए दोनों हाथ के समानांतर ले आइए सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे है, ये भी, लेते दोनों हाथ ले अपने बॉडी को राइट साइड ट्विस्ट करना है और दोनों हाथ पीछे की ओर अपने बटक के पीछे की ओर रखने का प्रयास कीजिए हो सके तो फिर अपने फोरहेड माथा को जमीन में रखने का प्रयास कीजिए अब इसी को सांस लेते हुए फिर से वापस आइए सांस छोड़ते हुए कीजिए हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए राइट साइड जैसा मैं कर रहा हूं वैसे ही करने का प्रयास करना है सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए राइट साइड सांस लेते हुए ऊपर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए राइट साइड सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए राइट साइड सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ऐसे कुछ अभ्यास के बाद उसके बाद राइट साइड मेंटेन कीजिए और यहाँ पे रुकिए ज्यादा से ज्यादा सामने झुकने का प्रयास कीजिए ध्यान रखिएगा लेफ्ट बटक को ऊपर नहीं उठाना है वन एबडोमन बिल्कुल रिलैक्स टू आपके बॉडी में कहाँ पे क्या हो रहा है उसको फील कीजिए ट्विस्ट को थ्री एबडोमन बिल्कुल रिलैक्स फोर फाइव सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड कीजिए और यहाँ पे रुकिए वन ये भी आपके पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है यह हमारे साइड के जो मसल्स हैं फैट है उसको भी दूर करने में बहुत ही सहायक है टू थ्रीडोम बिल्कुल रिलैक्स एंड फाइव सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले आइए सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे अगला अभ्यास के लिए पैरों के बीच वैसे ही अंतराल रहेगा श्वास लेते हुए दोनों हाथ सामने ले आइए अगला अभ्यास है महिलाएं अब दोनों हाथ लॉक कीजिए आपकी पीढ़ी बिल्कुल सीधा अब श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए सामने जो के हाथों को सामने की ओर खींचने का प्रयास है अपने बॉडी को सामने की ओर खींचने का प्रयास कीजिए अब श्वास लेते हुए दोनों हाथ राइट साइड ले आइए अब यहाँ से पीछे जितना जा सके पीछे अपनी बॉडी को पीछे ले जाइए फिर दोनों हाथ लेफ्ट साइड उसके बाद यहाँ से सामने की ओर ले आइए ऐसे आपको राउंड चक्कर लगाना है ऐसे ठीक है जो सांस लेते हुए पीछे की ओर जाइए सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड से सामने की ओर थ्री सांस लेते हुए पीछे सांस छोड़ते हुए सामने फोर सांस लेते हुए पीछे सांस छोड़ते हुए सामने फाइव सांस लेते हुए पीछे सांस छोड़ते हुए सामने सांस लेते हुए पीछे सांस छोड़ते हुए सामने आप चाहे तो इसको दस से बीस बार कर सकते हैं सामने टू इससे क्या होता है इस वाले आसन से हमारे पेट में पूरा मूवमेंट हो रहा है तो पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ही सहायक है फोर सांस लेते हुए पीछे जाइए सांस छोड़ते हुए राइट साइड से सामने 5 सांस लेते हुए पीछे सांस छोड़ते हुए सामने 6 सांस लेते हुए पीछे सांस छोड़ते हुए सामने 7 उसके बाद सांस लेते हुए वापस सांस छोड़ते हुए रिलैक्स कीजिए शोल्डर को रिलैक्स कीजिए अगला अभ्यास के लिए दोनों पैर बिल्कुल सीधा दोनों हाथ आपके नितंब के बगल में अब सांस छोड़ते हुए दोनों एल्बो को पीछे की ओर रखिए ऐसे ठीक है यहां ध्यान हाँ रखेगा आपके जो ये अपर आर्म्स है वो बिल्कुल 90 डिग्री होना चाहिए ठीक अगला अभ्यास आपके पेट के अभ्यास के लिए श्वास लेते हुए अपने राइट पेट को ऊपर उठाइए अब यहाँ पे ऐसे मूवमेंट करना है देख रहे हो ऐसे वन टू थ्री फोर श्वास भी छोड़ना है Five. एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटी यहाँ पेन कीजिए फाइव चेंज कीजिए लेख को वन टू थ्री फोर एंड फाइव सांस छोड़ते हुए दोनों पैर नीचे आप इस अभ्यास को 20-20 बार कर सकते हैं तीन सेट में ओके एक बार होने के बाद फिर से कीजिए फिर से कीजिए ऐसे ढंग के तो ये जल्दी ही आपके पेट की चर्बी को कम करेगा अब लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए अगला अभ्यास के लिए दोनों घुटने को मोड़िए आप सास लेते हुए धीरे से अपने दोनों पैर को ऊपर उठाइए इस वाले ये है नवासन पोज नवासना तो यहाँ पे पहले तो आपका पीठ बिल्कुल सीधा उसके बाद दूसरा अगर आप कर सकते हैं तो पैर को सीधा करने का प्रयास कीजिए और यहाँ पे रुके नहीं कर सकते तो फिर ऐसे बैंड करके ठीक है टू थ्री नॉर्मल है नेचुरल ब्रीथ फोर एंड फाइव सांस छोड़ते हुए पैर नीचे आप इसको चाहे तो पांच बार कर सकते हैं मैं यहाँ सिर्फ दो बार कर रहा हूँ सांस लेते फिर से पैर को ऊपर उठाइए पीठ बिल्कुल सीधा उसके बाद पैर हो सके सीधा कीजिए थ्री फोर एंड फाइव सांस छोड़ते हुए नीचे लंबे घरे सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए उसके बाद दोनों पैर सीधे अगला अभ्यास है पश्चिमोथानसन बैक बिल्कुल सीधा पीठ बिल्कुल सीधा श्वास लेते हुए दोनों हाथ से अपने दोनों पैर को पकड़िए और पीठ बिल्कुल सीधा कीजिए श्वास छोड़ते हुए सामने झुके अपनी क्षमता अनुसार नहीं झुक सकते कोई बात नहीं यहाँ पे रुकिए झुक सकते हैं तो ज्यादा से ज्यादा झुकने का प्रयास कीजिए ठीक है यहाँ पे रुकिए वन इस वाले पोज में क्या होगा हमारे पेट में बहुत ज्यादा दबाव बनेगा तो इसीलिए जो है पेट की चर्बी को कम करने में सहायक है अगर इस पोस्टर को आप ज्यादा समय तक होल्ड करते हैं तो इतना ज्यादा पसीना आएगा ना कि मत पूछो भाई इसी से बहुत ज्यादा चर्बी भी खत्म हो जाएगा ठीक तो ज्यादा से ज्यादा समय तक यहाँ पे होल्ड कीजिए मेंटेन कीजिए मैं सिर्फ पांच पाइप ब्रीथ कर रहा हूँ टू एबन बिल्कुल रिलैक्स रखना है अपनी बॉडी को सामने की ओर खींचने का प्रयास करना है और दोनों पैर बिल्कुल सीधा थ्री और बॉडी में क्या क्या हो रहा है उसको फील करना है सांस सांस लेते हुए हुए सामने देखिए, छोड़ते धीरे से वापस दोनों घुटने को ऐसे बैंड करना है और दोनों हाथों को सामने लाइए ठीक आज ये ये वाला पोस्टर कहलाता है मार्जरी आसन बट हमें मूवमेंट नहीं करना है हमें अगला अभ्यास करना है सांस लेते हुए अपने राइट पैर को सीधा कीजिए पीछे की ओर और थाई को रोल कीजिए इनसाइड ओके सांस छोड़ते हुए घुटना मोड़िए और अपने माथा और घुटने को मिलाने का प्रयास कीजिए सांस लेते हुए पैर बिल्कुल सीधा ऊपर उठाने का प्रयास कीजिए और ऊपर देखने का प्रयास कीजिए सांस छोड़ते हुए घुटना बैंड कीजिए माथा और घुटने को मिलाने का प्रयास कीजिए 2 सांस लेते पैर सीधा सांस छोड़ते हुए कर्व बनाइए 3 सांस लेते हुए पैर सीधा सांस छोड़ते हुए कर्व 4 सांस लेते हुए पैर सीधा सांस छोड़ते हुए फाइव सांस लेते हुए पैर सीधा कीजिए सांस छोड़ते हुए सिक्स सांस लेते हुए पैर सीधा सांस छोड़ते हुए मिलाइए सांस लेते हुए पैर सीधा कीजिए यहाँ पे थाई को रोल करना है इनसाइड पैर को पीछे की ओर खींचने का प्रयास कीजिए और ऊपर देखने का प्रयास कीजिए वन टू ये वाला पोस्टर थाई के फैट को भी कम करने का प्रयास करेगा टू थ्री फोर एंड फाइव सांस छोड़ते हुए घुटना और माथा को मिलाने का प्रयास करते इस वाले पोस्टर में पेट में दबाव पड़ेगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे अब इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड से करना है सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को सीधा कीजिए श्वास छोड़ते हुए घुटना और माथा को मिलाइए वन श्वास लेते हुए पैर सीधा श्वास छोड़ते हुए आइए टू श्वास लेते हुए पैर सीधा कीजिए श्वास छोड़ते हुए थ्री श्वास लेते हुए पैर सीधा कीजिए श्वास छोड़ते हुए आइए इसमें फोर श्वास लेते हुए पैर सीधा श्वास छोड़ते हुए कर्व फाइव श्वास लेते हुए सीधा श्वास छोड़ते हुए कर सिक्स श्वास लेते हुए सीधा सांस छोड़ते हुए कर फोर सांस लेते हुए अब यहाँ पे रुके थाई को इन साइड रोल करना है ऊपर देखने का प्रयास करना है टू थ्री एंड फाइव पे कर्व बनाइए माथा और घुटना को मिलाने का प्रयास कीजिए वन टू थ्री फोर एंड फाइव हुए घुटना नीचे अगला अभ्यास के लिए श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले आइए श्वास छोड़ते हुए अपने बॉडी को राइट साइड बैंड करना है ध्यान हिप्स को नहीं करना है ऐसे ठीक है हिप्स बिल्कुल स्टेबल श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हुए राइट सास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए राइट सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर छोड़ते हुए लेफ्ट लेते हुए दोनों हाथ ऊपर छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर सांस छोड़ते हुए राइट अब यहाँ पे रुकना है लेफ्ट आर्म्स को स्ट्रेच कीजिए राइट शोल्डर को सामने पुश करना है और यहां पे रुके वन ये वाला पोस्टर जो हमारे साइड के जो ये फैट है उसको कम करने में सहायक है टू थ्री एबडोम बिल्कुल रिलैक्स फोर एंड फाइव सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले आइए सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड यहाँ पर रुकिए वन लेफ्ट शोल्डर सामने पुश करना है राइट शोल्डर को ओपन करना है यहाँ पे रुकिए वन एबडोम बिल्कुल रिलैक्स टू थ्री फोर एंड फाइव सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले आइए सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे अगले अभ्यास के लिए दोनों हाथ सामने ले आइए और आ जाइए अपने पेट के बल अगला अभ्यास है सशांक भुजंगासना ओके होके दोनों पैर को मिला के रखिए सांस लेते हुए सामने देखिए और अपने शोल्डर और चेस्ट को ऊपर उठाइए चेस्ट को सामने की पुश करने का प्रयास करना है सांस छोड़ते हुए आ जाइए अपने बटक्स को अपने हिल पे रखिए यह है ससांग कासन श्वास लेते हुए सामने देखिए आप दोनों इसी दोनों अभ्यास को करना है थोड़ा मूव करना है श्वास लेते हुए सामने देखिए और आ जाइए कोबरा पोज में हाथ को हटाना नहीं है ऐसे श्वास छोड़ते हुए आ जाइए भुजंगासन में श्वास लेते हुए आइए कोबरा पोज में श्वास छोड़ते हुए आइए श्वास लेते हुए आ जाइए पोज में सांस छोड़ते हुए ससांग ये वाला जो भ्यास है हमारे पेट हमारे पीठ हमारे जो नितम है उसकी चर्बी को कम करने में बहुत ही सहायक है ठीक है ये देखो सांस छोड़ रहे तो यहाँ पे पेट में दबाव पड़ रहा है सांस लेते तो हुए इधर जा रहे हैं को भुजंगासन में तो पीठ और हमारे नितम में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है श्वास छोड़ते हुए आ जाइए शशांक आसन श्वास लेते हुए आ जाइए को भुजंग छोड़ते हुए लेते हुए आ जाइए भुजंगासन ऐसे कुछ अभ्यास करना है दस से बीस बार उसके बाद यहाँ पे रुके शोल्डर को पीछे पुश करना है और चेस्ट को सामने की ओर यहाँ पे रुके वन टू आपके बॉडी में कहा हो रहा है उसको फील कीजिए फोर एंड फाइव सांस छोड़ते हुए आ जाइए में यहां पे थोड़ा देर रिलैक्स नॉर्मल एंड नेचुरल ब्रीथ एब्डोमन को बिल्कुल रिलैक्स कीजिए दोनों शोल्डर को रिलैक्स लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए श्वास लेते तो हुए सामने देखिए और फिर से आ जाइए अपने पेट के बल अगला अभ्यास है आपका धनुरासन। दोनों घुटने को मोड़िए और दोनों हाथों से अपने एंकल को श्वास लेते तो हुए सामने देखिए और धीरे से अपने जंघा और छाती को उठाइए पैर को पीछे की ओर किक करना है तब भी आप ज्यादा उठा सकते हैं ठीक है अब यहां पे रुकी वन इससे हमारे पेट में बहुत ज्यादा दबाव बनेगा टू थाई निधम पेट के चर्बी को कम करने में सहायक है उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे से आ जाइए। अब यहां रिलैक्स अगला अभ्यास के लिए आ जाइए अपने पीठ के बल ऐसे अगला अभ्यास है आपका अर्ध पवन मुक्ता सांस लेते हुए अपने लेफ्ट पैर को उठाइए और घुटने मोड़िए और दोनों हाथों से अपने घुटने को पकड़िए और अपने घुटने को अपनी और खींचने का प्रयास कीजिए और लेफ्ट फिट को ऊपर उठाइए अपने सा घुटने को, को खींचना है ओके और उसके बाद पैर सीधा ऐसे थ्री फोर फाइव सिक्स ज्यादा से ज्यादा अपने सिर शोल्डर को ऊपर उठाइए सेवन एट नाइन टेन इलेवन थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन टीन नाइनटीन ट्वेंटी यहाँ पे रुकिए वन टू थ्री या इस वाले आसन में जो है पेट में ही दबाव बनेगा ज्यादा फोर फाइव स्वास लीजिए घुटने को खींचे वन टू हेड नीचे और पैर सीधा लंबी गहरी लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए लेते अब दोनों घुटने को ऊपर उठाइए अब दोनों हाथों से दोनों हाथों को लॉक कीजिए अपने पिंडली के नीचे सा छोड़ते धीरे से अपने घुटने को खींचिए और शोल्डर और हेड को ऊपर उठाइए यहाँ पे रुके वन ये है पवन मुक्तासन टू पेट में बहुत ज्यादा दबाव देगा थ्री गैस के लिए आपके और इनडाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस है पेट की चर्बी करने में भी सहायक है चर्बी को दूर करने में सहायक है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन स्टेट लेते आस धीरे से सिर नीचे अब दोनों पैर सीधे चलिए इस आसन के साथ साथ हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं चर्बी को दूर करने के लिए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अब दोनों घुटने को मोड़िए ऐसे थोड़ा सा सामने की ओर आपके पैर हाँ दोनों पैरों के बीच अंतराल लीजिए ठीक दोनों एल्बो को बैंड कीजिए सांस छोड़ते हुए अपने और हेड को ऊपर उठाना है ऐसे ठीक जितना ज्यादा हो सके ऊपर सांस लेते हुए ठीक ऐसे करना है आपको चलिए ये वाला भी अभ्यास आपके पेट की चर्बी को दूर करने में सहायक है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे आपके करने हैं दस दस सेट करने हैं तीन बार ठीक है तो यह बहुत ही सहायक है आपके पेट की चर्बी को दूर करने में अगला अभ्यास है दोनों हाथों को सिर के पीछे लॉक कीजिए अब यहां देखिए अपने जो है लेफ्ट नेक को ऊपर उठाइए और राइट right एल्बो को मिलाने का प्रयास करना है अपने बॉडी को अपर बॉडी को लेफ्ट साइड ट्विस्ट करना है और इधर लोअर बॉडी को राइट right साइड ऐसा ठीक और राइट लेग स्ट्रेट ऐसे सांस छोड़ते मिलाइए सांस लेते हुए चेंज करना है ऐसे सांस लेते हुए ठीक है ऐसे चलिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स के बाद सांस लेते हुए नीचे ऐसे आपको 10 से 20 बार करने हैं वो भी तीन सेट में करना है ठीक है तीन तीन सेट कीजिएगा तब भी आपका चर्बी बड़े जल्दी ही दूर हो जाएगा ध्यान रखिएगा उसके बाद लंबे घरे सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए दोनों पैर सीधे कीजिए अगला अभ्यास है दोनों हाथों को भुजा के समानता ले आइए सांस लेते हैं अपने राइट घुटने को ऊपर उठाइए अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए और ट्विस्ट कीजिए बॉडी को और राइट साइड देखिए यहाँ पे रुकिए। वन टू एब्डोमन बिल्कुल रिलैक्स थ्री फोर एंड फाइव सांस लेते हुए वापस आइए सांस छोड़ते हुए रिलीज कीजिए अब इसी अभ्यास को लेफ्ट साइड करना है सांस लेते तो हुए अपने लेफ्ट निको अपने राइट हैंड हाँ से पकड़िए अपने को सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए अब यहाँ पे रुकिए, वन टू थ्री फोर एंड फाइव सांस लेते तो हुए वापस आइए सांस छोड़ते हुए रिलीज कीजिए लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए